जुलाई माह में होने वाली कांवड़ यात्रा पर सरकार ने रोक लगाई है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सामूहिक रूप से लोगों की हरिद्वार में आवाजाही बंद रहेगी, लेकिन जो लोग अपने अपने राज्यों से स्वीकृति लेकर आएंगे उन्हें यहां से जल भरकर ले जाने की अनुमति होगी। साथ ही अनुमति लेकर आने वाले लोग विधि विधान से पूजा और जलाभिषेक कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बड़े समूह के रूप में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। श्री कौशिक ने कहा कि सभी राज्य सरकारों से बात करके ये निर्णय लिया गया है। मेले को लेकर जो परंपरागत मेले का स्वरूप था उसको रद्द किया है। गंगा जल लेके जाना, गंगा जल के आधार पर अपना विधि विधान से पूजा करना, पाठ करना, उस पर कहीं प्रतिबंध नहीं लगा। लेकिन कांवड़ का जो परंपरागत रूप से करोड़ों लोग जिस रूप में आते थे उसको कहा कि वो सब में नहीं। वहीं हरिद्वार के व्यापारियों और होटल एसोसिएशन ने पुरी की जगन्नाथ यात्रा की तरह प्रतिबंधों के साथ सीमित रूप में कांवड़ यात्रा चलाने की मांग की है। जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश गुलाटी का कहना है कि जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद जगन्नाथ यात्रा सीमित रूप में चलाने की इजाजत दी गई, उसी तरह कांवड़ यात्रा पर निर्णय लिया जाना चाहिए। निवेदन रहेगा कि जैसे जगन्नाथपुरी में वो यात्रा निकली है और कुछ गाइडलाइन के साथ निकली है, ऐसे ही कांवड़ यात्रा हरिद्वार में आरंभ हो और उसका रजिस्ट्रेशन करा के जितने भी यात्री हरिद्वार में हम सुगमता से ला सकते हैं, 20,000, 30,000, 50,000 पर डे अगर हम उसको चालू कर देंगे, हरिद्वार का व्यापारी थोड़ा सा ऊपर जरूर उठेगा और पूरे हरिद्वार के व्यापारी इसका स्वागत करेंगे। वहीं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा का कहना है कि कांवड़ यात्रा लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ी है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी निर्देश देगी उसका पालन किया जाएगा। जो कोरोना वायरस के चलते चलते चार महीने से जो पूरे का पूरा व्यवसाय हरिद्वार वासियों का ठप था, उसमें एक आस हो गई थी कांवड़ यात्रा से कुछ न कुछ भरपाई हो पाएगी और एक सामान्य प्रक्रिया की तरफ हम बढ़ते जाएंगे।